घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। संगीत सीखने के लिए अच्छी आवाज होना जरूरी है क्या? या मेरी आवाज मधुर नहीं है, मेलोडियस नहीं है, मैं ज्यादा ऊंचा नहीं गा सकता, नीचा नहीं गा सकता, क्या मुझे संगीत सीखना चाहिए? क्या मैं संगीत सीख सकता हूँ? ये वो सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं, बिगिनियर्स हैं, जो संगीत सीखना शुरू करने वाले हैं, वो अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, हमारे चैनल पे आया करते हैं ये सवाल। और मेरे ख्याल से जो भी संगीत सिखाता है उस तक ये सवाल आते ही होंगे। तो मैं उन स्टूडेंट्स को हमेशा यही जवाब देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ना तो एज कोई फैक्टर है, ना अच्छी आवाज़ होना कोई फैक्टर है, ना आपको पहले से कुछ आना एक फैक्टर है। संगीत सीखने के लिए, सीखने की शुरुआत करने के लिए इन सब में से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर ज़रूरी क्या है? ये सवाल बनता है कि फिर क्या ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, जो हम देखें और वो संगीत सीख सकता है। ये एक सवाल है। अच्छी आवाज़ तो बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी अच्छी आवाज़ होनी चाहिए तभी आप संगीत सीख सकते हैं, बिकॉज वॉइस बनाई जा सकती है, रियाज से, नॉलेज से बनाई जा सकती है। जब आपको चीज़ें पता है कि गला क्या है, गला इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है कि किस जगह कैसी गायकी करनी है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी वॉइस मोल्ड करके गा देते हो। उसके लिए अच्छी आवाज़ क्या? अच्छी आवाज़ देखिए, अच्छी आवाज़ इज सब्जेक्टिव। आपकी आवाज़ किसी एक पर्सन को अच्छी लग रही है, एक को नहीं लग रही है, तो आप उस आवाज़ को अच्छी बोल सकते हो क्या? एक पर्टिकुलर आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि मेजॉरिटी को पसंद है। मेजॉरिटी के लिए आपने कितने लोगों को काउंट किया? आपके घर में 5 लोग हैं, 3 को पसंद है, 2 को नहीं पसंद है, तो आपकी आवाज़ अच्छी है, यही बोलोगे ना आप, लोग काउंट करके बोलोगे। बट ऐसा कोई फैक्टर सिंगिंग के लिए, सीखने के लिए अप्लाई नहीं होता है कि आपकी अच्छी आवाज़ होनी चाहिए। होना चाहिए तो आपका ऐसा दिमाग जो कि थोड़ा जल्दी ग्रैस्प करे। सीखने के लिए सिर्फ यही चीज़ आवश्यक है। और मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे, उन्होंने एक बात हमें समझाई है, एक सिखाई है, और वो पहले भी वॉइस नोट्स उस पर दे चुके हैं। व्हाट्सएप वॉइस नोट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको ये चीज़ मिलेगी। वही चीज़ को मैं यहाँ कोट करूँगा कि वो अक्सर हमसे ये कहा करते थे कि सीखने के लिए ये सीखना ज़रूरी है कि सीखते कैसे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं। सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए सीखा कैसे जाता है, चीज़ों को समझा कैसे जाता है। जब आपको वो चीज़ सिखाई जा रही है तो एक तो होता है कि आप रट लेते हैं उसको, आप एक होता है आप समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल चीज़ है या कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार चीज़ें बड़ी सिंपल सी होती हैं लेकिन आपको उसका ग्रैस्पिंग आपकी इतनी तेज़ नहीं है, आप जल्दी से नहीं पकड़ पाते, थोड़े स्लो लर्नर हैं आप, है ना। तो वो एक चीज़ होती है कि थोड़े आपको फास्ट लर्नर होने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा दिमाग खुला होना चाहिए, एंड एक चीज़ रिजिड नहीं होने चाहिए, आप बंधे हुए नहीं होने चाहिए कि यार ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, तो फिर आप नहीं सीख सकते। अगर आप रिजिड हो जाओ, एक बाउंडेशन आपके अंदर आ जाती है, आपके दिमाग में, आपके जहन में एक बाउंड्रीज लगी हुई हैं कि ये तो ऐसे ही होती है चीज़, आप ऐसे कैसे करा रहे हो, तो आप नहीं सीख सकते। फिर फॉर लर्निंग समथिंग ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। आप सीख लीजिए पहले उसको, उसके बाद उसमें एनालिसिस कीजिए कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही, ऐसे हो रही है गुरुजी, फिर अपना व्यू पॉइंट रखिए। ये नहीं कि सीखने से पहले आपने कह दिया नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं मैं नहीं मानता इसको, दैट्स नॉट द वे ऑफ लर्निंग, वो कोई तरीका नहीं है सीखने का, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। आप अच्छी आवाज़ पे, सुर पे, इस सब पे मत जाइए, अपने जहन पे, अपने दिमाग पे काम कीजिए कि मुझे सीखना है तो मुझे ये चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो आई होप ये अगली बार ये सवाल मुझ तक कम आएगा, नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, पर कम आएगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं एटलीस्ट वो तो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि अच्छी आवाज़ होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे स्टूडेंट होना ज़रूरी है, एक ऐसा स्टूडेंट जो चीज़ों को जल्दी समझ पाए, सीख पाए, और एक ओपन माइंडेडनेस से, अच्छे अभ्यास से सीख पाए। लगातार अभ्यास करना जिसको आता हो, रेगुलरिटी जिसमें हो, ऐसा नहीं कि 4 दिन किया ना फिर रुक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितना डिसिप्लिन्ड उसको होना चाहिए उतना होना चाहिए, रिस्पेक्ट हो इस विषय के लिए, गुरु की इज्जत हो उसके मन में, विषय की इज्जत हो, विषय का दर्जा हो, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक शिष्य में होनी चाहिए तभी वो सीख सकता है और कुछ नहीं। और वो कोई भी विषय सीख सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं कि संगीत ही कोई ऐसा खास है जिसके लिए मैं ये सारे नियम बता रहा हूँ या ये सारी क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, ये सीखने के ऊपर है, कोई से भी विषय को सीखने के ऊपर है। और ख़ास हम अगर संगीत की ही बात करें तो उसमें लय का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और लय का नॉलेज ऐसा नहीं कि उसको ऑलरेडी बहुत सारी तालें या लयकारियाँ आती हों, ऐसा नहीं, लय की पकड़, हम जो चीज़ देखते हैं स्टूडेंट में एडमिशन लेने से पहले वो यही है कि वो लय पकड़ सकता है कि नहीं, क्योंकि लय पकड़ सकता है तो सुर भी पकड़ ही लेगा वो, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो सीखने के लिए अच्छी आवाज़ वगैरह ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, अभ्यास करना आपको आना चाहिए, एंड एक
विषय को लेके सीरियसनेस होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए कि हॉबी नहीं है आपका कि हाँ ठीक है यूं ही सीख रहे हैं, क्योंकि वो जब क्या बोलते हैं केयर फ्री आपका जो नेचर हो जाता है इसको लेके कि हाँ ठीक है हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। एक दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए, एक जहन में एक पक्का पंची कि हाँ इस विषय को करना है, इस टारगेट को अचीव करना है, तो फिर करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी है, जितना टाइम मिला है उससे ज़्यादा टाइम देना है, ये समझ लीजिए है ना, एक घंटे में एक घंटे से ज़्यादा का काम करना है, ये चीज़ें आपको अंदर होनी चाहिए तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी वो बातें हैं जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है ना, मैं कोई ये सारी चीज़ें किताब में नहीं लिखी जो मैंने पढ़ के आपको बोल दी, ये मेरा अनुभव है जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।